बहुत एंजॉय किया बिग बॉस में। इनफैक्ट जनरली होता ना, कभी आप जाते हो तो सिर्फ बैठ के बातें करते हो, कभी अच्छा हो सकता है नहीं, बट आई थिंक हमें अंदर जाके ये टास्क देना था। ये बिग बॉस का होटल बना था और हम गेस्ट थे, और हम काफ़ी ख़तरनाक गेस्ट थे, यू नो। तो हम अपनी ख्वाहिशें पूरी कर रहे थे। आई थिंक कंटेस्टेंट्स फाइनली समझ गए टास्क कैसे करना है फोर्थ वीक में। बेचारों को 3 हफ्ते से कुछ समझ में नहीं आ रहा है, और उन्होंने इतना अच्छा टास्क किया, यू नो। और सब लोग वाकई बहुत स्वीट है, यू नो। ऑफकोर्स मैं तो गेस्ट थी तो मेरे साथ स्वीट थे ही। अब अंदर उनका क्या इक्वेशन, उसे मुझे कुछ लेना देना नहीं है। बट आई थिंक सब लोग काफ़ी वेलकमिंग थे, बहुत वार्म वेलकम मिला। और एक्चुअली मुझे मज़ा आया अंदर जाके, यू नो, बहुत डिफरेंट था। ऑफकोर्स जब आप खुद का सीज़न करते हो, मैं सीज़न 6 में थी, अलग 6 था, बहुत अलग अलग लोग थे। वो पहले दिन से एक इक्वेशन बनानी पड़ती है जो आखिरी दिन तक रहती है, और टचवुड में टॉप 3 में थी, तो काफ़ी लंबा इक्वेशन चला और बहुत अच्छा लगा। फिर मैं हल्ला बोल गई थी लास्ट ईयर एज अ वाइल्ड कार्ड एंट्री, और वहाँ पे भी बहुत मज़ा आया। बट यू नो, वो हम सिर्फ वाइल्ड कार्ड एंट्रियों के साथ ज़्यादा दोस्ती कर पाए, और घर वालों के साथ, यू नो, वो पता नहीं क्यों डर गए थे, उन्हें लगा हम जीत के चले जाएंगे। बट वो इक्वेशन सेट नहीं हो पाती है, यू नो, नो मैटर हाउ फेमस कंटेस्टेंट यू आर, पर प्रेजेंट सीजन में आप अपना वो फैक्टर नहीं ला पाते हो, यू नो। और क्योंकि आप बिग बॉस एक ऐसी चीज़ है, एक्चुअली लोग जो घर में रहते हैं उनके साथ जीने लग जाते हैं, यू नो, और उनको वही समझ में आते हैं। तो बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि ये 3rd वीक में मुझे जाने का मौका मिला, लोगों को देखने का मौका मिला, और सीज़न शुरू हो रहा है, जस्ट हुआ है, 1 महीना हो गया, तो उन्हें एडवाइस देने का मौका मिला कि आगे जाके वो क्या करें, ताकि बेचारे कुछ लोग अपने आप को इविक्ट होने से सेव कर सकते हैं अगर वो एडवाइस फॉलो करें तो। कॉस अब 2-3 घंटा, अभी आप मेरे मुझसे भी 2-3 घंटा मिलोगे तभी मैं स्वीट ही रहूँगी, पर अगर मेरे साथ 24 घंटा रहोगे तो डेफिनेटली, यू नो, प्रॉब्लम होगी, इनडिफरेंसेस होगे। प्लस हर किसी को बिग बॉस में स्पेशली ये दिखाना होता है कि वो बहुत पढ़ा लिखा और समझदार है, आई डोंट नो वाई। सो वो भी एक चीज़ रहती है कि मैं इंटेलिजेंट तुम डम, मैं इंटेलिजेंट तुम डम। सो आई थिंक वो भी एक चीज़ होती है, ओवर पावरिंग हो जाती है कभी। कुछ बहुत सीनियर एक्टर्स होते हैं जिन्होंने बहुत काम किया है और एज वाइज बड़े होते हैं, तो वो जो यंग कंटेस्टेंट्स अंदर रहते हैं उनके लिए थोड़े से इंटिमिडेटिंग हो जाते हैं एट टाइम्स। सो आई थिंक मैंने अंदर कुछ यंग कंटेस्टेंट्स को बोला है, प्लीज़ इंटिमिडेट मत, तो अपना कैरेक्टर दिखाओ, यू नो, बात करो, बिकॉज यूर एवरीबडी इज इक्वल, एज लॉन्ग एज आप रिस्पेक्टेबल हो, इट्स फाइन। नहीं, एक्चुअली ये एक टास्क है, बहुत लोग आ रहे हैं घर में 1 by 1, क्योंकि ये होटल है और हम गेस्ट है, तो गेस्ट डेफिनेटली बिग बॉस के ही एक्स कंटेस्टेंट्स है, बिकॉज हम सबको वो जानते हैं और कहीं ना कहीं हम उनसे रिलेट कर पाते हैं, बिकॉज हम सिर्फ व्यूअर्स नहीं है, हम कंटेस्टेंट्स भी रह चुके। सो आई कैन अंडरस्टैंड द फीलिंग, जब मैं शो देखती हूँ मैं दोनों परस्पेक्टिव से देखती हूँ, तो और वो भी जब हमें देखते तो वो खुश हो जाते, अरे ये घर में ही रहे वाले कार्टून है सारे, तो इट्स फन। हाँ, और बिग बॉस एक मेरी बहुत अहम पहचान बन गई है, लोग मुझे बिग बॉस वाली सना ही कहते हैं अभी तक, विच इज़ वेरी नाइस, मतलब कितना हार्ड इम्पैक्ट पड़ा है लोगों पे। तो या आई थिंक कभी कभी कुछ चीज़ें आपके साथ हमेशा रह जाती है, उसी तरीके से बिग बॉस मेरे साथ आई थिंक फॉर एवर जुड़ गया है। आई थिंक वो मेरे मरते दम तक रहेगा कि मैं बिग बॉस की सना खानूँ, विच इज़ ऑफकोर्स आई टेक इट एज अ प्राइड एंड ऑनर। एक्चुअली मैं बहुत इक्वल थी, बिकॉज इट ज़रूरी है कि जब आप घर के अंदर जाओ तो आपको इक्वल रहना बहुत ज़रूरी है सबको। यू कैन नॉट से यू आर माई फेवरेट, आप ये वो, मुझे जिस के साथ जो जो करवाना था, जिनको एक्टिव करना था, और मैं टास्क देने गई थी, तो मेरे लिए ज़रूरी है कि जो टास्क करता है उनसे करवाना बहुत ज़रूरी है, यू नो, थोड़ा अलग। हमने बहुत अलग अलग टास्क किया है। अमन को तो मैंने टकला करवा दिया है घर के अंदर, वो बेचारे कल टकले नज़र आने वाले, पर वो बहुत हॉट लग रहे हैं, ट्रस्ट की, वो बाल के साथ इतने हॉट नहीं लगते थे जो बिना बाल के वो लग रहे हैं। इज़ लुकिंग वेरी नाइस, इज़ लुकिंग मोर मीन, उनको बोला है थोड़ा सा बात करो, यू नो। और मैंने कीत का, सॉरी कीश्वर का पूरा फेस बिगाड़ के आ गई, वो बेचारे को बोला ऐसे ही बैठे रहो बिग बॉस के अगले आदेश तक, जो कभी नहीं आएगा, जब तक टास्क खत्म हो जाए बेचारी तभी फेस वॉश कर पाएगी। एंड देन रोशेल को हमने नील डाउन करवा दिया है, वो नील्स पे ही अपने चलती है। सो ऐसे कर करके हमने बहुत लोगों को, बहुत कीत को और सुयश को लड़की बना दिया, उनको ड्रेस पहना दिया, घाघरा चोली एंड ऑल दैट। सो इट्स गोना बी फन, कल का एपिसोड विल बी किक एस। हाय, दिस इज सना खान, और मैं अपने सारे व्यूअर्स को हैप्पी दिवाली और न्यू ईयर की बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहती हूँ, और आई होप आप सब हैप्पी और सेफ दिवाली सेलिब्रेट करें, इको फ्रेंडली दिवाली सेलिब्रेट करें, ट्राई टू अवॉइड क्रैकर्स, इंस्टेड प्लीज़ किसी गरीब को खाना खिला दें, बिकॉज एज यू नो महंगाई बहुत बढ़ गई है। तो प्लीज़ हैव अ ग्रेट ईयर, एंजॉय विथ योर फ्रेंड्स, एंजॉय विथ योर फैमिली।